एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार फिर आप सभी लोगों का स्टडी 5.6 में स्वागत है। आज हम लोग लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे, जिसे हिंदी में रैखिक समीकरण कहते हैं और इंग्लिश में लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। तो देखिए, सवाल आप देख रहे हैं। पहला सवाल है 5x + 10 = 60। देखिए, ये लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल आज हम लोग पढ़ेंगे, अगले वीडियो में लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल पढ़ेंगे। तो पहला सवाल है हम लोगों का 5x + 10 = 60, इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो देखिए, बहुत ही आसान है। इसमें केवल आपको ये जो x दिख रहा है, इसी का मान निकालना पड़ता है। पहला सवाल आप सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे बराबर, यहाँ पर 5x है तो आप इसे 5x लिख लीजिए। यहाँ पर देखिए प्लस है तो इसे आप यहाँ पर नहीं लिखेंगे। यहाँ देखिए बराबर है ना, तो यहाँ पर बराबर का चिन्ह लिख लीजिए। अब ये जो 10 है +10x, इसको हमें यहाँ से यहाँ ले जाना है, यानी हमें इसको उठा के यहाँ पर ले जाएंगे। तो जब ये यहाँ से उठकर यहाँ जाएगा ना, तो अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर जब आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो हमको क्या लिख लेना है, यहाँ पर 60 पहले से था तो 60 लिख लेना है। जब इसको उठा के लेके जाएंगे तो प्लस है जो वो माइनस हो जाएगा, और 10 जो है ठीक उसी तरह रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। अब आपको देखने को मिल रहा है 5x = 60 - 10। अब आपको इसे सॉल्व करना है। जब 5x बराबर करेंगे तो 60 में से 10 घटाएंगे तो कितना आएगा, 50 आ जाएगा। 50 को ठीक उसी तरह आपको लिख लेना है। अब आपको क्या करना है, पहले से मैं बता के रखा हूँ कि आपको x का मान निकालना है। तो x का मान कब निकलेगा, जब आप यहाँ पर यक्स लिख देंगे और बराबर, यहाँ पर देखिए 5 जो है वो यक्स के साथ गुणा है, यानी 5 × यक्स है, वो छुपाया हुआ है क्वेश्चन में, वो आपको समझने की ज़रूरत होती है। तो इसे आप यक्स लिखेंगे, बराबर 50 है तो 50 लिख लेंगे। यहाँ पर देखिए 5 जो है यक्स के साथ गुणा था, तो जब हम यहाँ पर यक्स बराबर 50 करेंगे तो ये जो 5 है जब यहाँ पर गुणा हुआ था तो इसके नीचे जब आएगा तो भाग हो जाएगा। तो देखिए, हम लिखेंगे यक्स बराबर 50 / इसी 5 को यहाँ पर लिख देंगे। अब आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि हमें मालूम है कि 5 × 10 कितना होता है, 50 होता है। तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, 5 × 5, 5 × 5 यानी 5 × 10 = 50। तो यक्स बराबर आपका 10 आ जाएगा। यही हमारा क्या है, उत्तर है। तो बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको पहला सवाल बताया हूँ। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान तरीके से बताया जाएगा। इसमें भी क्या करना है, अगर ये लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल है तो केवल आपको इसमें यक्स का मान निकालना है, क्योंकि ये रैखिक समीकरण। तो देखिए, आपको यक्स का जब मान निकालना है तो यहाँ पर 3x - 5 बराबर लिखा हुआ है x + 3। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए ये 3x है और यहाँ पर x है, ये क्या है, दोनों भाई हैं, तो दोनों भाई को आपस में एक साथ रहना है। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए 3x, और यहाँ पर जो इसका भाई है x, इसको उठा के हमको यहाँ पर ले आना है। तो यहाँ पर इसका भाई जो है ये प्लस में है, ये प्लस में है, तो जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पर प्लस है लेकिन वो क्वेश्चन में लिखा नहीं है, ये छुपा के रखा है, इसे आपको क्या है, समझना है। तो जब ये x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लीजिए 3x - x। अब आप चिंता ना करिए कि इसको कहाँ लिखेंगे, -5। तो देखिए, अब आप बराबर ला लीजिए, यहाँ पर जो -5 है ना, अभी हम इसको उठा के यहाँ पर लेके जाएंगे, यानी जो 3 है, 5 जो है किसका भाई है, वो 3 का भाई है। तो यहाँ पर लिख लीजिए, जब यक्स यहाँ पर चला गया तो बच गया कितना, +3। तो यहाँ पर 3 लिख लीजिए, प्लस लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो ऑटोमेटिक प्लस माना जाता है। अब आपको क्या करना है, 3 लिखने के बाद यहाँ पर जो माइनस था, इस माइनस को हम यहाँ पे लेके आएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। अब 5 में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये 3 + 5 हो जाएगा। इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। अब 3x में से 1x घट जाएगा तो कितना बचेगा, 2x। यहाँ पर लिख लीजिए 2x बराबर कितना हो जाएगा, 3 × 5 यानी कितना हो जाएगा, 8। तो यहाँ पर लिख लीजिए 8। अब आपको क्या करना है, हमें x का मान निकालना था, तो यहाँ पर x लिख दीजिए, बराबर 8 है तो 8 लिख दीजिए, 2 का गुणा हुआ है x के साथ, तो इधर जब आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। ये जो 2 यहाँ है, इस 2 को आप यहाँ पर लिख देंगे। अब 2 को काट दीजिए, 2 × 2 = 8 यानी x बराबर कितना आ गया, 4। यही हम लोगों का क्या है, आंसर है।
तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल बताया हुआ हूँ। तो आशा करता हूँ आप सभी को यह वीडियो समझ में आया होगा, आप सभी लोगों को यह मदद मिली होगी। तो इसी तरह की वीडियो पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।